सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा तीसरे दिन अंबाला से होते हुए पिहोवा पहुंची। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम को बुके देकर उनका अभिवादन किया। यात्रा के दौरान सीएम मनोहर कभी स्पेशल तौर पर बनाई गई बस के ऊपर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते नजर आए, तो कभी बस के गेट से लोगों को संबोधित करते हुए। ये यात्रा 90 विधानसभाओं में जाएगी और इसी प्रकार से जनता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम उनसे निवेदन करेंगे। आपको बता दें कि पिहोवा से पहले सोमवार को सीएम की यात्रा अंबाला पहुंची थी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सीएम मनोहर का स्वागत किया। जनता को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री को अंबाला की बेटी सुषमा स्वराज की याद आ गई। सुषमा का जिक्र करते हुए अचानक मनोहर भावुक भी हो गए। अंबाला छावनी के इन बाजारों में, इन सड़कों पर, इन मोहल्लों में मैं बहुत पुराना परिचित हूँ। आज मुझे याद आ रही है अंबाला की बेटी बहन सुषमा स्वराज हमारे बीच से चली गई। बहुत एक दुख हुआ, इस प्रदेश का नाम ऊंचा किया। हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने कमर कस ली है। चुनावों से पहले माहौल को अपने पक्ष में बनाने के लिए मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा राज्य की 90 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी और 8 सितंबर को रोहतक में एक रैली के साथ संपन्न होगी। R9 TV के लिए अंबाला से राजकुमार शर्मा और पिहोवा से प्रमोद सैनी की रिपोर्ट।